नाम से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई है चाइना, तो उनकी विजन भी है ना। हमारे पास कोई विजन नहीं, न कोई स्ट्रैटेजी है, कोई नहीं है। सब जर्नलिस्ट बाबू लोग चलाते हैं सरकार है। प्राइम मिनिस्टर कोई आए कोई जाए, उनसे क्या मतलब। वो अपने स्पीड पे अपने तरीके से काम करते रहते हैं। किन्होंने किसी ने हिस्ट्री किया है या किसी ने इंग्लिश लिटरेचर किया है, वो डिफेंस सेक्रेटरी बन गए। उनको क्या पता क्या हो रहा है, उनको क्या पता कौन से राइफल के बिजनेस एंड क्या है। ये हमारी हालत है। वो तो नहीं है ना चाइना में। ठीक है, आप पाकिस्तान से मुकाबला कर सकते हैं, चाइना से तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका ऐसे धमाकेदार वेपन्स हैं, थर्मो न्यूक्लियर, हाइड्रोजन बॉम्ब। उनकी यील्ड क्या है, हर मिसाइल पे 3 मेगाटॉन यील्ड है। 3 मेगाटॉन यानी कि 3 मिलियन टन्स ऑफ TNT एक मिसाइल पे। हमारे इस पे क्या है, 10 किलोटन, 20 किलोटन। इस ऐसे वाले पटाखों से कौन डरेगा? चाइना डरेगी। पाकिस्तान डर भी जाए, चाइना तो नहीं डरेगी ना। हम कह रहे हैं वहाँ वियतनाम को खुले दे, ये क्या छुपा छुपी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ किया, छुपा छुपी किया, उन्होंने सीधे दे रहे थे पाकिस्तान को, उन्होंने कुछ नहीं किया। 30 साल तक बैठे रहे, अभी तक बैठे। पाकिस्तान के नेवर बी अ थ्रेट टू इंडिया, वॉज नेवर अ थ्रेट, इज नॉट नाउ अ थ्रेट, कैन नेवर बी अ थ्रेट। देखिए, हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, पहली ड्राफ्ट की गई थी 1999 में, जब हम थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में, और हम 2-3 लोग थे जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया था न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। उसमें वो काफ़ी, मुझे लगता है, सोफिस्टिकेटेड थी। यानी कि हमने कहा था कि भाई, अच्छा पहले ये कह दें कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय वाजपेयी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया था कि भाई हमारा मिनिमम डिटरमेंट होगा, और ये भी कह दिया था कि भाई नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले आप नहीं होंगे इस्तेमाल करने के। तो ये उन्होंने कह दिया था पार्लियामेंट में। तो अगर आप डॉक्ट्रिन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसी मुताबिक होगा, क्योंकि उन्होंने तो अनाउंस कर ही दिया था, यानी कि ये हमारे हाथ से बाहर था। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी नेशनल सिक्योरिटी, पहली कमेटी थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की, उसके बाहर थे। तो हमने जैसे सिचुएशन था, तो हमने सोचा भाई हाउ बेस्ट ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन। जो हमारे प्रधानमंत्री के जो कंडीशंस थी वो इनकॉर्पोरेट करें, पर फ्लेक्सिबल हो, यानी कि गवर्नमेंट को, सरकार को फ्यूचर में भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि वो जैसे सिचुएशन इमर्ज होता है वैसे वो अपने सोच भी बदलते जाएं और डॉक्ट्रिन भी वैसे बदलेगी। तो हमने ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन जो फिर पब्लिश हो गया था, आप लाइन में जाकर देख सकते हैं, MEA के वेबसाइट पे है। हमने कहा था कि भाई हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं शुड बी केपेबल, यानी कि उनमें ये क्षमता होनी चाहिए कि भाई अगर कोई वार करता है हम पे, तो हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स हो कि हम वार अब्सॉर्ब करके भी उल्टा उन पे वार कर सकते हैं, और ऐसा ज़बरदस्त वार कर सकते हैं क्या कि ताकि वो मिट जाए। तो ये था कि भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नो फर्स्ट यूज उन्होंने कह दिया था, तो उसके मुताबिक हमने ये कहा था। और ये भी कहा था कि भाई अगर कोई पड़ोसी देश चाइना आया हो या कोई और देश हो पहला यूज़ करता है न्यूक्लियर वेपन, तो हम फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स करेंगे। हम देखेंगे भाई कितनी बड़ी कौन सा हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया है, और उसके मुताबिक फिर हम भी उसी स्केल पे रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी कि अगर टैक्टिकल वेपन यूज़ हुआ हो और 20 किलो टन का यील्ड है, तो हम भी 20 किलो टन के यील्ड में के हिसाब से फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। पर हुआ ये कि ब्रजेश मिश्रा हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, और
बहुत ताकतवर एनएसए थे, उन्होंने पूरा बदल दिया। उन्होंने मैसिव रिटेलिएशन की बात इसमें ये ले आई डॉक्ट्रिन में, जो हमारे डॉक्ट्रिन में थी नहीं। मैसिव रिटेलिएशन का क्या था, है क्या चीज़? मैसिव रिटेलिएशन ये है कि अभी कोई भी पहला हम पे वार करेगा तो हम पूरी, हमारे पूरी कोशिश होगी कि हम अपना जितनी फोर्सेस हैं एकदम उस पर वेपन्स हैं उस पर टारगेट करेंगे। ये सोचने की बात है कि देखिए, अगर लोग कहते हैं कि अभी सिनारियों क्या है, पाकिस्तान अगर हम अग्रसर कंट्री हैं, हमारी टैंक्स जाते हैं पाकिस्तान में, चोलिस्तान डेजर्ट जो है उनकी कुछ है तो नहीं वहाँ पे, पर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, फिर पाकिस्तान अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर यूज़ करती है हमारे आर्मर्ड फॉर्मेशंस पे, तो हम क्या करेंगे, कराची उड़ा देंगे? सोचने की बात है ना। मैसिव रिटेलिएशन तो यही होती है कि पूरा पाकिस्तान उड़ा दें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब खास मुझे लगता है ब्रजेश मिश्रा को डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस की बात होती है, उन्हें खास कुछ ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं थी, नहीं थी नहीं तो वो ये नहीं करते, तो उन्होंने कर दिया। ये हमें पता लगा कि भाई ब्रजेश मिश्रा का खेल था ना कि सरकार पर, इतने पावरफुल थे वो, सरकार के नाम से उन्होंने गजेट कर दिया डॉक्ट्रिन। पर लोग कहते हैं भाई अगर सच्ची हालात में वैसे कुछ हो जाए तो मैसिव रिटेलिएशन बोलने की बात है, करने का कुछ और है। तो यानी कि हमारी जो ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन जो कहती है वही होगी, यानी कि देखेंगे कौन सा वेपन इस्तेमाल होता है, क्या स्केल है डिस्ट्रक्शन की, कितना हम पे घाव पड़ता है, कितने लोग मरते हैं हमारे, उसी के हिसाब से फिर हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। तो ये कुछ कहा नहीं है, बट जो 2003 में जनवरी 2003 या जब ये इन्होंने गजेट किया था, पब्लिक कर दिया था, वो मैसिव रिटेलिएशन की बात हो रही है, अभी तक वही है। पर इन रियलिटी कुछ और बात है, यानी कि अगर इस्तेमाल होना ही है तो मुझे लगता है इस्तेमाल जैसे हम कह रहे हैं वैसे होगी, यानी कि ओरिजिनल हमारी जो ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन के थी उसके मुताबिक। तो यही है, अब देखिए ये इंडिया पाकिस्तान तो होता रहता है क्राइसिस, कश्मीर कश्मीर ये वो टेररिस्ट अटैक, और पहली चीज़ ये होती है कि पाकिस्तान कह रहा है हम अपना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, और इसी में हम भी कूद जाते हैं। इस टाइम राजनाथ सिंह जी बोल पड़े कि भाई हम नो फर्स्ट यूज़ को रीथिंक करेंगे। हमने जब लिखा था, ड्राफ्ट किया था हमारे डॉक्टर, हमने तब से हमारे पुस्तकों में लिखा है कि नो फर्स्ट यूज़ वैसे डिक्लेरेटरी डॉक्ट्रिन है, यानी कि कहने की बात है नो फर्स्ट यूज़। कोई कंट्री से खास मानती नहीं, ये कंडीशन की थी कि आप नो फर्स्ट यूज़ का मतलब कि आप पीसफुल हैं, आप अग्रसर नहीं होंगे, ये सब चीज़ हैं। तो इसीलिए सब लोग कहते हैं हम नो फर्स्ट यूज़ के, कोई कहता नहीं भी हो पर मानता है कि भाई नो फर्स्ट यूज़, भाई इट्स अ डिक्लेरेटरी डॉक्ट्रिन, यानी कि पब्लिक को जो बताना है वो नो फर्स्ट यूज़, पर जो आप करेंगे वो तो सिचुएशन के मुताबिक होगी। अगर आपको इंटेलिजेंस मिल गई भाई वो वार करने वाली है, मिसाइल छोड़ने वाली, तो आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे? तो अगर आपको इंटेलिजेंस मिल गई कि भाई कोई देश चाइना समझिए उनकी इतने मिसाइल्स हैं टिबेट में, वो हम पे वार करने वाले हैं, गुवाहाटी को उड़ाने वाले हैं, चलिए ऐसे सिनारियो अगर आप सोचें तो आप क्या करेंगे? गुवाहाटी को एलिमिनेट हो जाए आप रुकते रहेंगे या आप कुछ करेंगे? तो नो फर्स्ट यूज़ यानी कि डिक्लेरेटरी इसमें तो ठीक है, पर अगर किसी युद्ध में युद्ध छिड़ जाती है उसके बाद तो फिर आपको ये तय करना पड़ेगा भाई हमको ये पहले इन्होंने वार किया है या करने वाले हैं, इससे अच्छा बेहतर ये होगा कि हम ही उन पे कुछ टूट पड़े,
तो ये सब कैलकुलेशंस युद्ध के समय होती हैं, ऑपरेशन के समय होती हैं। ऐसे नहीं कि पहले आप अगर कहने वाले तो आप तो नो फर्स्ट यूज ही कहोगे ना कि हम तो पीसफुल हैं, कोई ऐसा कंट्री तो होगा नहीं कहेगा हम तो पहले यूज़ करेंगे। हाँ, छोटे छोटे कंट्रीज नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान, ये तो कहते हम पहले यूज़ कर देंगे, पर उनके लिए भी ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए, मिलिट्री में एक कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज रेशियो की। एक्सचेंज रेशियो का मतलब ये है कि भाई आप बड़ा मुल्क हैं, आपके पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फोर्सेस हैं, हम छोटे मुल्क के, हमारे पास छोटी आर्सेनल है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, पर हम क्योंकि हम छोटे हैं, क्योंकि हम वीक हैं, तो हम कहेंगे भाई आपको डिटर करने के लिए, आपको होशियारी से काम लेने के लिए हम कहेंगे भी हम वार कर देंगे, आप करिएगा मत कुछ। यही करती है ना पाकिस्तान, हमें डरा के, डराने नहीं या थ्रेटन करती है। तो अगर इसी में न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाती है, आपने कुछ कर दिया तो उन्होंने पहले कह रखा था हम कुछ करेंगे, तो फिर वो आपके टैंक्स पे वार कर दिया चोलिस्तान डेजर्ट में, तो आप कराची तो नहीं उड़ा सकते ना, तो फिर आप उसी मुताबिक आप उनके आर्मड फोर्सेस पे कुछ आपका अटैक होगा। पर सोचने की बात ये है कि टैक्टिकल वेपन जो आप कहते हैं वो तो टैक्टिकल नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ऑल वॉर प्लान्स आर अंटिल द फर्स्ट शॉट इज फायर्ड। आप प्लान जो कुछ करें वो फिर पेपर पे हो रहता है और आपकी जो प्रेपरेशंस हैं ठीक है, पर पहले शॉट जो मारता है उसके बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, कोई नहीं बोल सकता, कोई बता नहीं सकता, ये प्रेडिक्टेबिलिटी है ही नहीं। और न्यूक्लियर वेपन्स पे तो बिल्कुल ही नहीं, आपको क्या पता कन्वेंशनल मिलिट्री नॉन न्यूक्लियर फील्ड में आपने टैंक छोड़ने क्या होगा उनका, वो हो सकता है वो अपना टारगेट अटेन कर लेंगे, ये भी हो सकता है वो मार खा जाएंगे, तो आपको नहीं पता ना क्या होने वाला, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका क्या होगा, ये सब। तो अगर आप प्लान सिर्फ फर्स्ट शॉट तक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रिपेयर तो आपको करना पड़ेगा ना बड़े ऑपरेशंस के लिए, सस्टेन्ड ऑपरेशंस के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो हम एक्सचेंज रेशियो कह रहे थे, एक्सचेंज रेशियो का मतलब ये है कि अगर हम छोटे देश हैं, छोटा हमारे पास फोर्सेस, आप बड़े मुल्क वाले हैं, आपके पास बड़ी फोर्सेस हैं, तो अगर न्यूक्लियर युद्ध हो जाता है, एटॉमिक युद्ध हो जाता है, तो आप जब वार करेंगे हम पे जो असर पड़ेगा वो आपके कंपैरिजन में, अगर हम वापस आप पे छोटा मुल्क आप पे वार करता है, आपको जितना नुकसान होता है वो कितना कंपैरिजन क्या है। ये मुमकिन है कि भाई आपका अब जब वार करेंगे छोटे इस पे, तो छोटे मुल्क पे तो बड़ा असर पड़ेगा, जब हम आप पे वार करेंगे आप पे तो छोटा असर पड़ेगा, इसे कहते हैं एक्सचेंज रेशियो। उसीलिए हम लिखते आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कभी ऐसी ऑपरेशन छेड़ ही नहीं सकता, कि बेवकूफ़ तो है नहीं वो, या आप कह सकते हैं भाई ये बेवकूफ़ हैं, ये ऐसे वैसे लोग हैं, ये जिहादी हैं और ये क्या क्या हैं और ये सब। रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता ना, वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ भी, तो वो सोचेंगे यार हमने कुछ ऐसे कुछ हो गया तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो हम कितने भी वार करें इस पर भारत तो ख़त्म होने वाली नहीं, पर हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में पूरे उनके जो वेल्थ प्रोड्यूसिंग सिटीज़ हैं इसमें बहुत लोग रहते हैं, बहुत पॉपुलेशन है उनकी, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर में आप देखें, आप मैप निकाल कर देखेंगे, आप मैप है कहाँ, यहाँ था पहले, उसमें पूरा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लायलपुर, पूरा सियालकोट से लेकर कराची थोड़ी दूर है, तो पूरा अबाउट 30 miles फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर, यानी कि इतने वल्नरेबल हैं,
ये किसने कहा था, हम तो नहीं कहते थे, अयूब खान ने कहा था 65 वोट के बाद, वो कह गए बच हारते हारते बच गए, ख़त्म होते होते बच गए, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर लाहौर के पास, वो तो लाहौर में आ बैठे थे आप हमारी आर्मी, अगर हम लाहौर खो देते तो पाकिस्तान गिर जाता, उस समय तो कुछ था ही नहीं। तो वो बहुत ही वल्नरेबल है, वो ऐसे कोई कुछ करने वाले हैं ही नहीं, किसी सिचुएशन में ये है नहीं कि भी वो ऐसी जंग छिड़े, यू नो वो रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि उनका नुकसान इतना होगा भारी कि अगर आपने स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर पाकिस्तान नहीं रह गया ना, ख़त्म हो गया सर। और वैसे भारत पे हाँ होगा, यहाँ पे बहुत वॉर गेम्स होती हैं, यहाँ पे हम खेलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहाँ पे भी पाकिस्तान में खेलते हैं, अमेरिका में खेलते हैं, लंदन में खेलते हैं, वॉर गेम्स खेलते हैं, वेरी रियलिस्टिक वॉर गेम्स के लिए क्या हो सकता है ऐसे कुछ जंग हो। तो यही कंक्लूशन बार बार आता है कि भाई कैसे भी जंग छिड़े, वो आउटकम तो एक ही होगा, यानी कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, सब लोगों को पता है। तो जब कोई क्राइसिस होती है ये वो, तो पाकिस्तान पहले चिल्लाते हैं ओ हम ये करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि भी कहीं कुछ हो जाए, तो वो चाहते हैं कि अमेरिका आ जाए पहले, वो ये ऐसे एटॉमिक जंग नहीं होनी चाहिए, तो वो इंटरवेंशन पहली आ जाती है। उस होप में ये सब अपना नाटक शुरू करते हैं वो लोग। हमारी तकलीफ ये है कि हम रिस्पॉन्ड इसी में करते हैं और उसी में हम ट्रैप हो जाते हैं। क्या ज़रूरत थी राजेंद्र हमारे राजनाथ सिंह को कहने की, भाई नो फर्स्ट ईयर, भाई नो फर्स्ट ईयर तो है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं वैसे, आप कहते तो है, वैसे तो रियल लाइफ में तो है नहीं, क्या ज़रूरत थी बोलने की। तो पाकिस्तानी उनका गेम यह है कि हमको इनको प्रवोक करते हैं और हम प्रवोक हो जाते हैं इजीली, पर उसी हालत में देखें हमारी चीन की हमारी एटीट्यूड क्या है, वो हमें लात मारती रहती है, हम कुछ करते हैं नहीं करते हैं ना। मोदी साहब वन स्पिरिट और ये स्पिरिट और वो स्पिरिट की बातें करते रहते हैं, पाकिस्तान में तो बड़ा अपना अकड़ते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या बुली हो ना, यू आर बुली। अब डज अ बुली एवर डिराइव रिस्पेक्ट, आप कोई रिस्पेक्ट करता है, अगर आप बड़े आदमी से आप पंगा लो तो आपकी रेपुटेशन बड़ी हो जाती है ना, पाकिस्तान का वो हो रहा है, जहाँ चाइना है हम तो नहीं जाते, हम तो अपने टेल बिटवीन आवर लेग्स वाली बात हो जाती है, हम अपना दुम अपने पैरों के अंदर निकाल के भाग जाते हैं, पीस वीस की बात करते हैं, तो फिर परसेप्शन क्या है इंडिया की, क्या समझते हैं लोग कि भाई इंडिया की हैसियत क्या है, ये तो ऐसे ही है, डरपोक लोग हैं, छोटों वीक लोगों से पंगा लेते हैं, कोई बड़ा कोई आपका एडवर्सरी आ जाता है तो ये लोग भाग जाते हैं, जंग से डरते हैं, ये कंक्लूजन होता है ना। तो आपकी न्यूक्लियर वेपन्स फिर इस्तेमाल किस बात की है, फिर हम यही अपने पुस्तकों में लिखे आ रहे हैं कि भाई इस्तेमाल होता है बड़े एडवर्सरी से, ना कि छोटे एडवर्सरी, तो छोटे एडवर्सरी क्या चीज़ है, वो तो आप कैसे ही ख़त्म कर दोगे, पाकिस्तान क्या चीज़ है। चाइना ने तो ये पहले प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश कर दी है कि हमने आपके पड़ोसी को न्यूक्लियर मिसाइल्स दे दिए हैं, अब देखिए क्या करते हैं आप, हमने कुछ नहीं किया, हमने तब कहा था 1998 में जब NSAV पहली बनी थी और हम थे, फॉरेन सेक्रेटरी हमारे आगे आए थे, हमने कहा आपने क्यों नहीं टिट फॉर टैट किया, चाइना ने जो किया हम हुई वापस उसी स्केल पे उनको कर देते, पूरे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे आप कह रहे हैं, वियतनाम सबसे वो तो भड़कम देश है, छोटा है, सबको मार दिया उन्होंने,
आप जाएं वियतनाम, हम तो गए थे पिलग्रिमेज के हिसाब से, ये देखो ऐसी देश, ऐसा देश है, वो छोटा इतना है, सबको मान भगाया उन्होंने, सबको। पहले फ्रेंच को मार भगाया डियन बियन फू, फिर जाके लात मार दी अमेरिका को, वहाँ से दौड़ा दिया, फिर मार दिया चाइना को 1979 में, याद होगा आपको, मार्शल पेंग हुई जिन्होंने तिब्बत को पे कब्जा किया था, वो आगे अकड़ के आ गए, वो उनको लात मार के उन्होंने भगा दिया, गुस्सा मार के उनको तो बिल्कुल हालत ख़राब कर दी। ये कहते हैं ना, ये साइज की बात नहीं है, ये विल पावर की बात नहीं, हम पे हमसे पंगा नहीं लेना, नहीं, यही कुछ एटीट्यूड पाकिस्तान भी अडॉप्ट करता है, उसमें है नहीं, उनमें है नहीं, वो हमारे जैसे लोग हैं, तो वो वैसा वैसी चीज़ वो दिखाने में वो ठीक है, वो ऐसे ऐसे करते हैं, पर वो हमारे जैसे लोग हैं, काम नहीं बनता उनसे। तो हमने कहा था के रघुनाथ फॉरेन सेक्रेटरी थे, हमने कहा क्यों नहीं आप रिस्पॉन्ड करते, क्या बैठे रहते, क्या किया आपने? तो ये MEA के फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं हमें, और हम NSA भी बैठे हैं हमारे सामने, कहते इम्प्रैक्टिकेबल है। के सुब्रमण्यम थे कन्वीनर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के, जो अभी जयशंकर के बाप थे, तो हमारे कलीग थे। हमने क्या, हमने कहा इम्प्रैक्टिकेबल मिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी, आर यू इवन अवेयर ऑफ व्हाट इट मीन्स टू नॉट रिस्पॉन्ड इन काइंड टू चाइना, वाइल चाइना सॉर्ट ऑफ आर्म्स ऑल अनेबल्स न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर मिसाइल्स, वी डू नथिंग एंड यू से इट्स इम्प्रैक्टिकेबल फॉर अस टू रिस्पॉन्ड इन काइंड। वो चुप रह गया, और मैं तो, हम तो अभी उसको झाड़ने वाले थे, सुब्रमण्यम ने कहा छोड़ दो इसको, ये तो ऐसे ही है, ठीक है, डोंट पुश इट। द प्रॉब्लम ये है, हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे डिप्लोमेटिक सर्विस में जो लोग चाइना स्पेशलिस्ट हैं, जो मैंडरिन भाषा बोलते हैं, उनकी चाइनीज भाषा बोलते हैं, वो चाइना के वकालत शुरू कर देते हैं यहाँ के, ये देखो, ना कि हमारी इंटरेस्ट देखें, हमारी नेशनल इंटरेस्ट देखें, वो चाइना की वकालत करते हैं, चाइना बहुत बड़ी, बहुत बड़ा है, इससे तो खबरदार रहना चाहिए, ये तो बहुत ही बड़ा, ये है वो, डरा के रख देते हैं सब सरकारों को, और सब सरकारें ही डरी हुई रहें। जैसे हमारे मोदी जी इतने डरे हुए हैं क्यों, हमें तो पता नहीं, हम चाइना बहुत बार गए, और जब हम ये कहते हैं, हमने उनको पता है हम क्या कहते हैं, और जब हम उनको कहते हैं कि भी अगर कोई मजबूत सरकार, मजबूत माइंडेड, स्ट्रांग माइंडेड, स्ट्रांग विल सरकार यहाँ पे आएगी, और आपने प्रेसिडेंट को सेट कर दिया, हम तो आपके प्रेसिडेंट फॉलो कर रहे हैं, आपने हमारे एडवर्सरी को न्यूक्लियर मिसाइल दी, हम आपके सभी, आपके जो पूरी जो पेरीफरी पे है सबको देंगे न्यूक्लियर, देखें कैसे डरते, वो तो डर जाए, तो पता है डर जाते हैं वो। 1999 में 1.2 ट्रैक यानी कि नियरली गवर्नमेंट ट्रैक डायलॉग में हम थे, शंघाई गए थे पहली बार, हमने कह दिया पहली सेशन में, वो तो हक्के बक्के रह गए, जैसे आप सच्ची करेंगे ये, यानी कि देखिए सच्ची करेंगे ये कह रहे हैं हमें, कि उनको ये शक है कि भी ये इनकी बस की बात है, अगर करेंगे तो क्या होगा उनका, सबसे उनकी कोई दोस्त तो है नहीं उनकी पेरिफरी पे, सबसे भिड़ गए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, सब चाइना सी पे, ब्रुनेई है, वो 9-line है उनकी, कहते हैं सब पूरा हमारा, आपका कैसा बन गया भाई, आपने पेंसिल लगा दिया है मैप पे, आपके बन गया, अच्छी बात है, सबको न्यूक्लियर मिसाइल दे दो, फिलीपींस सबको दे दो, क्या होता देखे, इनमें दम है किसी सरकार में करने की, कौन रोकता है हमें, कौन रोकता है हमें, कौन रोक सकता है हमें, ये सब आर्ग्यू कर कर आके, फिर हम जब थे NSAB में, और जसवंत सिंह के साथ हमारी काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन थी, वाजपेयी गए थे हनोई 2003 में, उन्होंने न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट की थी, अब न्यूक्लियर कोऑपरेशन सिविलियन और बम की टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है,
खास तो है नहीं. अ बॉम्ब इज एन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट. हम कहते हैं इन्हें हम सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, एक्सपर्टीज देंगे. इसका मतलब क्या है? वियतनामीज को हम दे सकते हैं भाई ये लोग बॉम्ब है, उसको कंट्रोल करो, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाता है ना. खास उसमें डिफरेंस है नहीं. पर तब से हम कह रहे हैं, क्रूज मिशन हम तब से कह रहे हैं, भाई उसमें आप में दम नहीं है न्यूक्लियर वेपन देने में. इतने डरपोक हैं आप, इतने डरे हुए हैं आप में दम नहीं है, आप में विल नहीं है, तो भाई क्रूज मिशन तो दे दो. नहीं, हम तब से कहते हैं. अब जाके वी शेम द गवर्नमेंट कि हाँ भाई शिवशंकर मेनन थे, हाँ ठीक है, कुछ बात छेड़ते हैं. वो उसी में बात छेड़ने में रह जाते हैं हम लोग, काम करते वक्त तो कुछ नहीं. अभी भी देखिए फिलीपींस, अभी हमारे प्रेसिडेंट गए थे वहाँ पे, रामनाथ कोविंद जी गए थे, तो उनके साथ अब पहली दफ़ा मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में संधि हुई है. कब कुछ ट्रीटी वीटी अकॉर्ड वगैरह हुए हैं, उनको दे दो. इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. रोड्रिगो दुतेर्ते वो तो कुछ भी कह देता है, उनको दे दो. क्या होते है हाल देखें आप, चाइना का क्या हाल होता है. हम कह रहे हैं वियतनाम को खुले दे दो, ये क्या छुपा छुपी कर रहे हो. उन्होंने कुछ किया छुपा छुपी किए, उन्होंने तो सीधे दे रहे थे पाकिस्तान को, हमने कुछ नहीं किया. 30 साल तक बैठे रहे, अभी तक तो बैठे, किसी में ये दम नहीं है. कोई सरकार नहीं आई कह दे अच्छा बच्चों अब दिखाते हैं आपको क्या करते हैं. सारे के सारे आपके जितने स्टेट्स हैं आपके पेरीफ्री पे, हमारे तो खाली एक ही देश है. आपने आम कर दिया जो हमारा एडवर्सरी देश है. एडवर्सरी अगर समझते हैं तो पाकिस्तान क्या चीज़ है. हम कहते आ रहे 35 साल से, क्या चीज़ है पाकिस्तान, उसकी GDP क्या चीज़ है. पता है क्या GDP है पाकिस्तान की? 1/13 ऑफ द मार्केट कैप ऑफ द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज. यार हमारी नेशनल GDP की छोड़िए बात, 1/13 ऑफ द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज उनकी उनकी ये क्षमता है. और आप सब उनको उनको बढ़ा दिया, वो तो बहुत खुश है. जैसे मैंने कहा कोई पंगा लेता बड़े ताकतवर आदमी से तो आपका आपकी रेपुटेशन बढ़ती है. पाकिस्तान क्या बढ़ा है, हम उनको हेल्प कर रहे हैं. लो भाई और बढ़ाओ अपना, चाइना के मुकाबले तो हम डरपोक कुछ नहीं करते. चाइना को बहुत कह रखा है आप जाएं फ्रॉम शंघाई गो इन 90 माइल्स, ये इंडिया जैसे कंट्री साइड है, पार्टी है ये सब है. शंघाई यू नो फर्स्ट वर्ल्ड, अंदर थोड़े हो जाए देखिए क्या है. इंडिया जैसे ही है, वो दिखाते नहीं हैं आपको. हम गए थे ये दिखाओ, ये तो ठीक है ये शानदार, अंदर क्या है देखें. कहते नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही है, देखना चाहते हैं देखें. गए थे यानी कि देखिए ये ठीक है, हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई है चाइना, तो उनकी विजन भी है ना. हमारे पास कोई विजन नहीं है, न कोई स्ट्रैटेजी है, कोई नहीं है. सब जर्नलिस्ट बाबू लोग चलाते हैं सरकारें. प्राइम मिनिस्टर कोई आए कोई जाए उनसे क्या मतलब, वो अपने स्पीड पे अपने तरीके से काम करते रहते हैं. उनको न स्ट्रेटेजिक विजन है, न सिक्योरिटी कोई जान पहचान है, कुछ कुछ किसी को पता है. सब जर्नलिस्ट हैं, किन्होंने किसी ने हिस्ट्री किया है या किसी ने इंग्लिश लिटरेचर किया है, वो डिफेंस सेक्रेटरी बन गए. उनको क्या पता क्या हो रहा है, उनको क्या पता कौन से राइफल के बिजनेस एंड क्या है. ये हमारी हालत है. वो तो नहीं है ना चाइना में. मोदी और ये इनकी सरकार समझती है कि भाई आप अमेरिका से और आपकी मिलती जुलती है कि भाई चाइना थ्रेट है तो वो आपके आपको हेल्प करने आ जाएगी. अमेरिका किसी के हेल्प करने नहीं आने वाला. क्या उनका सर खराब है, आप जाके भेट जाएँ चाइनीज से, वो क्यों आएंगे आपको मदद करने. आप क्या समझते हैं. तो ये हम सोचते नहीं हैं, हम अपने लत में घूम उसी में है, पर कोई है नहीं. सर दैट वाज़ द क्वेश्चन कि चाइना हैड अ 100 ईयर पॉलिसी विजन कि हमें ये करना है और कर दिया. उन्होंने कर दिया एक तो बात है कि उनकी सिस्टम है ना. जी सर,
ऊपर से डाउन डेंग शियाओपिंग क्या ज़बरदस्त क्या लीडर थे, माओ तो थे जो थे उन्हें बहुत खराब ही की, रेवोल्यूशनरी लीडर थे, खास उनमें वैसे इंटेलेक्ट तो थे नहीं पर लड़ाई झगड़े में अव्वल नंबर, क्योंकि उन्होंने रेवोल्यूशनरी वॉर तो उन्होंने छेड़ी ना, उन्होंने फाइट किया, हमारे लोग सब लॉयर्स वॉयर्स ऐसे सब एरे गहरे बस बन गए लीडर्स. There's a difference between getting your independence and freedom by violent means. अब जो कोई बड़े देश बने जब इन्होंने अपनी फ्रीडम हासिल की, उन्होंने कैसे की है? After a fight where there's bloodletting. यही हमारा देश है एक, जो after Second World War जो हमारे कलोनियल ओवरलॉर्ड्स थे उनकी तो बुरी हालत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनको तो बिल्कुल ही भिखारी बना दिया था, वो हाथ फैलाए हुए वो अमेरिका के पास गए थे हमें कुछ हेल्प करो, एंग्लो सैक्सन भाई भाई हैं, मदद की उन्होंने, उसी से वो थोड़ा बहुत वापस आ गए, पर उनको पता था कि भाई हमारी बस की बात नहीं है इंडिया को होल्ड करना, पूरा 1947 की इंडिया, तब की इंडिया. पर जाते जाते इन्होंने पार्टीशन कर दिया, क्योंकि इट हेल्प्स, छोटा मुल्क आपने बना दिया तो वो हमारे कब्जे में आएगी, हमारे हम जो चाहेंगे उसी मुताबिक काम करेंगे, अच्छी बात है, बनाते हैं पाकिस्तान. और हमारी पॉलिटिक्स भी इंटरनल ऐसी है कि भी वो उन्होंने ओके कर दिया. तो कहने का ये तात्पर्य ये है कि देखिए, हम हमारी सिस्टम जो हमने ब्रिटेन से लेगेसी के हिसाब से हमने अक्वायर की थी वही है ना, बाबू जब चलाते थे बाबू चलाते हैं, वही जर्नलिस्ट लोग तब थे वही हैं, एक्सेप्ट टू रन फ्रॉम वाइट हॉल, वहाँ पे बड़े विजनरी थे चर्चिल ये वो चलाते थे, हमारे यहाँ भी थे नेहरू अगर आप कुछ भी कहें, उन्हीं के इसमें तो न्यूक्लियर वेपन्स हमारी बनी, बातें वो पीस की करते थे पर करते थे अंदर ये न्यूक्लियर वेपन बनाओ, पहली हमारी जो लड़ाकू विमान हमने तैयार की थी जेट एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक जेट, पता है आपको कब की थी? मारुत HF-24 1961 में, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट we imported the greatest aircraft designer Dr. Kurt Tank Germany se. Kya baat thi, kya baat hai, soch dekhiye Nehru ki, aap kuch bhi kahe Nehru ki, unhone bahut kuch aur kuch gadbad kar di, socialist ye wo maine pura kharab kar diya, par isme wo chuke unko pata tha ki agar great power banna hai to hame nuclear weapons chahiye, hamari arms mein self sufficiency chahiye, sab कुछ बना के आपको दे दिया और उसके बाद आपने कुछ किया नहीं, इम्पोर्ट्स में रह गए, क्यों? सब लोग पैसा कमाते हैं, सब लोग कमीशन कमाते हैं, मिलिट्री में हो पॉलिटिशियंस हो ब्यूरोक्रेसी हो, इसीलिए ना अट्रैक्शन क्या है, अगर आप आर्मामेंट इम्पोर्ट करते हैं तो अट्रैक्शन क्या आपके लिए, कमीशन अभी भी वही है चक, रफाल क्या चीज़ है, और जितने नए नए आप कॉन्ट्रैक्ट लेते जाएं उतनी आपको कमीशन मिलती जाएगी, अगर आप कहें भी नहीं हम अपने घर में बनाएंगे अपनी HF-24 बनाया तेजस बनाया हमने हमारी डिज़ाइन है हम अपने आप करेंगे तो कमीशन वमीशन तो हमें ख़त्म हो जाएगा ना, सबके लिए नुकसान है, इसीलिए हम जब आप आर्मामेंट्स में सफिशिएंट नहीं हो, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है आपकी, तो आपकी सॉवरेनिटी नहीं है ना, इसका मतलब ये है, देखिए एग्जांपल देते हैं आपको, 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, करना कब था हमें 64 में, जब हमारी क्षमता हमारी वेपन थ्रेशोल्ड पे आ गई थी 64 में, स्प्रिंग प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग हो गई थी, तैयार थे,
बाबा होमी बाबा रो रहे थे कि भाई हमें करने दो। 62 में उन्होंने बताया कि मार खा गए हम हिमालय में, चाइनीज ने पिटाई की हमारी। तब बाबा नेहरू के पास गए थे, उन्होंने कहा हमें बम टेस्ट एक्सप्लोजन करने दो, इट विल रेज द स्पिरिट एंड द मोरल ऑफ द पीपल, इंडियन पीपल। सही बात, नेहरू जिन्होंने तब तक सब कुछ सही किया था, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम सब कुछ उन्होंने अपने हैसियत मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी से कि हैसियत पे सब ओके करके सब कर दिया था, पर वो लास्ट पॉलिटिकल विल रहता है कि कन्वर्ट दैट इनटू आर्ममेंट्स, उस पर रुके। देखिए कमी कमियां है ना, हमारी लीडरशिप में कमी है, सब कुछ किया है, आखिर स्टेप नहीं लिया। 64 से 98 तक हम बैठे, 74 तक इंदिरा गांधी भी वैसे एक किया टैर और भाग गई, डर गए। क्यों पता, अमेरिका हमारी बहुत बड़ी दोस्त है, हम भी अमेरिका में एजुकेशन करके आए हैं, हमारे सब दोस्त वहाँ के गवर्नमेंट में आए, क्या क्या है। किसिंजर ने फ़ोन किया इंदिरा गांधी को, उन्होंने कहा आपको पता है क्या हुआ था चिले में, पता आपको चिले में क्या हुआ था 1971-72 में? उनके प्रेसिडेंट जो थे आयंदे, उनको इन्होंने असासिनेट कर दिया था CIA ने। तो किसिंजर ने कह दिया भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं, डर गए इंदिरा गांधी, पूरी टेस्ट रोक दी, वेपनाइजेशन रोक दी, फिर से जीरो पे आ गया, जीरो नहीं पर वहीं पे वापस आ गए। 98 में किया वाजपेयी जी, वही विदेश मिश्रा फिर टपक पड़े, वो भी बहुत अमेरिका की दोस्ती चाहते थे। हुआ क्या, 5 टेस्ट किए, 1-6 टेस्ट करने थे, 1 रद्द कर दिया उन्होंने। उनका आइडिया, उनकी आइडिया वाजपेयी सरकार की आइडिया थी कि भाई जितने टेस्ट करना है करें, उसके बाद फुल वेपनाइजेशन, थर्मोन्यूक्लियर वेपनाइजेशन जो हम कह रहे थे वही चाहिए हमें, चाइना के पास थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम आपके पास 20 किलोटन पटाखे से क्या चलेगा आपका, ठीक है आप पाकिस्तान से मुकाबला कर सकते हैं, चाइना से तो नहीं कर सकते हम, तो उनका ऐसे धमाकेदार वेपन्स हैं थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब, उनकी यील्ड क्या है, हर मिसाइल पर 3 मेगाटॉन यील्ड है, 3 मेगाटॉन यानी कि 3 मिलियन टन्स ऑफ TNT एक मिसाइल पे, हमारे इस पर क्या है 10 किलोटन 20 किलोटन। इस ऐसे वाले पटाखों से कौन डरेगा, चाइना डरेगी, पाकिस्तान डर भी जाए चाइना तो नहीं डरेगी ना, यही है वो कहते हैं क्या करेंगे आप, ये जो बाल्टिस्तान है पूरा गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित हुंजा बाल्टिस्तान पूरा का पूरा जो इलाका है, इट्स कंटेंशियस। हमने अब जाके बात कर रहे हैं बाल्टिस्तान की, 50 साल हमने बात नहीं की, हमने बात ये छेड़ी भी नहीं कि भाई ये भी तो प्रिंसली स्टेट कश्मीर का तो हिस्सा था, अब तक बात क्यों नहीं की आपने, वो लेवरेज है आपकी, या कहो कि भाई वापस पूरा पूरा वापस करेंगे, अगर आप वापस नहीं दोगे पीसफुली तो हम ले लेंगे, या अब बात कर रहे हैं ना, तब क्यों नहीं की आपने 50 साल तक, उनकी क्लेम्स पे आपने लेजिटिमाइज आपने किया क्योंकि आपने बात छेड़ी नहीं है, उन्हीं की कैंपेन हो रही है कि भाई हमें कश्मीर में प्लेबिसिट करने दो, ये करने दो, वो करने दो, शिया तो वहाँ पर है ना, हंजा के शिया हैं वो मारे जा रहे हैं, यही सुन्नी लश्करों के हाथ, ये सब लेवरेज हमारे पास है ना। ये कौन थे वो MQN की कराची में, अल्ताफ हुसैन, वो दिल्ली में, आपने सुना क्या कह रहे थे, वीडियो में सुना होगा, हम थे वहाँ पे ऑडियंस में, वो तो कह रहे पूरा पार्टीशन ही बेमतलब है, ज़्यादा तो मुसलमान अभी इंडिया में है ना, पाकिस्तान में कहाँ है। और ये भी है कि
जिन्ना की और नेहरू की आइडिया थी कि भी काउंट ऑफ हॉस्टेजेस होंगे, वहाँ पे हिंदूज भी होंगे, वहाँ पे सिख भी होंगे, वहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी भी होंगी, यहाँ पे मुसलमान है, तो हॉस्टेज, म्यूचुअल हॉस्टेज। तो उन्होंने तो एथनिक रिलीजियस क्लेंसिंग कर दी, उन्होंने सिखों को, हिंदुओं को और सबको दौड़ा दिया वहाँ से, अब तो प्योरली सुन्नी। अब वो शिया को भी नहीं मानते, हिंदू को छोड़िए काफिर, वो अपने शिया को नहीं मानते, अहमदियों को तो वैसे ही मार डालते हैं वहाँ पे। तो काउंटर लेवरेजेस हैं हमारे पास, वो कहते हैं आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे पता नहीं, दोवाल साहब क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में, हमारा काउंटर लेवरेज है, एनक्यूएम हमारा था, अब पाकिस्तान आर्मी ने आके उनको एलिमिनेट कर दिया, मार दिया सब, हमारे जो पता नहीं इंटेलिजेंस होंगे ऐसे कुछ, पाकिस्तानी कहते हैं आपके सब ये लोग थे, पर हो सकता अगर हम चाहते हैं तो फिर वो हम उसे रिसेलेक्ट कर सकते हैं, वो लेवरेज आ सकती है वापस हमें, हमारे पास। देखिए बात ये नहीं है, हमारे पास अगर ये तो कोअर्सिव लेवरेज कहते हैं इसको, आप अगर कोअर्शन यूज़ करना चाहते हैं, पर आप ट्रेड यूज़ करो ना, ये क्यों नहीं यूज़ करते? आप चाइना के पास तो हम चाहते हैं कि ट्रेड, हम कहते हैं भाई इतनी इम्बैलेंस ट्रेड है, $70 बिलियन हमारे खाते से उनके खाते में जाता है हर साल, हमारे पास इतने पैसे हैं, $70 बिलियन 70 अरब रुपए और जो कुछ अरब रुपए बिलियन डॉलर, और हम बातचीत करते हैं, इसमें ही माहिर हैं, बातचीत करते रहते हैं, बातचीत करते हैं, वो तो कहते हैं ये तो उल्लू है, बातचीत करते रहो और उनको पटा दो बस, कुछ करने वाले तो है नहीं, और पाकिस्तान के साथ जनरोसिटी है नहीं। अरे पाकिस्तान छोड़िए, किसी नेबर के साथ हमारी रिलेशनशिप देखिए, कोई है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं? कोई भी बताइए, हमारे नेबर कोई एक बताइए। भूटान बेचारे तो ऐसे हैं, प्रोटेक्टरेट हैं, चलिए भूटान को छोड़िए, भूटान भी कह रही है कि भाई हम चाइना के पास जाएंगे, तो वो तो उनकी लेवरेज तो बनती है, हम कहते हैं हम चाइना के पास जाएंगे। बांग्लादेश ठीक है, अभी शेख हसीना के सरकार में हम थोड़ा कुछ हमारी वैल्यू बढ़ गई है, पर इन्हें पूरा हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी। हम कहते हैं अगर हम कह दें कोई सरकार जिसकी विजन हो, वो कह दें यार पाकिस्तान को यार ये सब छोड़ो, ठीक है आप अपना जो करना है करो, आपको एनमिटी मोल लेनी है तो मोल लीजिए, ठीक है हम तो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, आप चाहते हैं तो फ्री ट्रेड, आप कुछ भी यहाँ बेच सकते हो इंडियन मार्केट प्लेस में बिना टैक्स के, चलिए अगर वो कह दे तो। नेपाल को तो ऐसे ही हमारी फ्री मूवमेंट है, बांग्लादेश को कह दें, मालदीव को कह दें, शिलोंग को कह दें, यार आप हमारी मार्केट प्लेस में आके बेचो जो चाहना बेचो, नो रेसिप्रोसिटी। क्या होगा पाकिस्तान में देखिए, वो उनके पास कोल नहीं है, यानी कि ये कोयला नहीं है, कहाँ से लाते हैं वो? ऑस्ट्रेलिया से। किस क्या प्राइस पे लाते हैं? 100 या 1000 times जो हम यहाँ से झरिया कोल फील्ड से, कोयले के माइंस जहाँ से हम रेलवे सीधे उनके फैक्ट्री ग्रेड में कराची में पहुँचा सकते हैं, वो नहीं लेंगे, उनके बेवकूफ़ लोग हैं। अगर आप इंसेंटिव नहीं करोगे, तो आप इंसेंटिव आपके पास है, आप कुछ कर नहीं रहे हो ना, क्योंकि पॉलिटिकली इट इज़ यूजफुल। अब ये सरकार है, पहली सरकार में तो हिम्मत नहीं थी, वहाँ पे वो डर गए थे बीजेपी ने, वो तो यार राइट से वो हमें अटैक करेगी, कहेंगे पाकिस्तानियों के साथ आप ये कर रहे हो, संबंध जोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो करोगे, हमारे हमें ख़त्म कर देंगे पॉलिटिकली। तो उनकी तो बनी थी ना डील परवेज मुशर्रफ के साथ, बढ़िया डील थी, क्या रहे थे, क्या कह रहे थे वो, या जैसा है वैसा है कश्मीर में, हम कह देंगे एक जॉइंट काउंसिल या कमीशन जो कुछ है
टू ओवरसी द अफेयर्स ऑफ कश्मीर. क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि उन्होंने वो तो मान गए थे कि भाई अगर हमारे कश्मीर से श्रीनगर वैली से वहाँ जाते हैं पीओके में तो उनको अपना आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, आइडेंटिटी पेपर्स, उस पर हम स्टैम्प करेंगे. इसका मतलब क्या है? बॉर्डर तो हो गया ना, पर मनमोहन सिंह ने मान, वो मानते मानते रिजेक्ट कर दिया. देखिए, जब तक आप पाकिस्तान आर्मी से डील नहीं करेंगे, जो हम कहते आ रहे हैं, उनको हिस्सा नहीं बनाएंगे सोल्यूशन का, तो फिर यही होता रहेगा. एक बार पाकिस्तान आर्मी आ गई हरकत में हमारे साइड पे, वे ट्रेड तो है, अच्छी बात है. अगर हम ये भी कह रहे हैं, हमारे पुस्तकों में हमने ये कहा है कि कहीं तब से कहते आ रहे हैं 30 साल से, आप कह रहे हैं यार आप कुछ मत करिए, हम पूरे अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वेस्टर्न बॉर्डर से निकाल रहे हैं यहाँ पर यूनिलैटरली, आप कुछ नहीं करना, आप जहाँ अपने मिसाइल रखने रखें, हम पूरे निकाल रहे हैं. दूसरी चीज़ ये करेंगे कि हमारे 3 स्ट्राइक कोर्स हैं, पूरे टैंक वैंक के मैकेनाइज्ड यूनिट्स हैं, वो हम रैशनलाइज करेंगे. इतनी कोई ज़रूरत तो है नहीं, आप तो थ्रेट तो हो नहीं, पर है हमारी बड़कम फोर्स, इतना पैसा जाता है उसमें, खर्च होता है हमारा बेमतलब. जब हम फिनांस कमीशन डिफेंस एडवाइजर डिफेंस एक्सपेंडिचर थे, 10th फिनांस कमीशन, केसी पंत जो डिफेंस मिनिस्टर थे, चेयरमैन थे 10th फिनांस कमीशन के, पहली बार क्लासिफाइड स्टडी हमने की थी. अगर हम आपको बताएं कि भाई पूरा कैसा डिफेंस बजट, डिफेंस के पैसे मिसयूज होते हैं, ऐसे इस पर कोई इम्पोर्ट कर रहा है एयरक्राफ्ट, कोई टैंक इम्पोर्ट कर रहा है, अगर भाई आपके पास 3 स्ट्राइक कोर्स हैं, लोगों को बताया क्या? लोगों को कुछ आइडिया तो नहीं है 3 स्ट्राइक कोर्स होते क्या, 1 स्ट्राइक कोर क्या होता है. आप जाए, आप गए कभी वॉर एक्सरसाइज में? क्या होता है अगर आप आर्मर ब्रिगेड जब चलती है, पूरा पूरी धरती हिलती है ना, आप समझिए पूरी डिवीजन जाती है, तब क्या होता, किसके साथ लड़ाई करोगे? इतने सब टैंक वैंक आपके पास हैं, 3000 टैंक है, 3500 टैंक है, किसके साथ लड़ाई करोगे? पाकिस्तान के साथ ना, क्या चाइना के साथ लड़ो करेंगे? वो माउंटेन्स में कैसे ले जाएंगे यार इतने बड़ी टैंक फोर्स? सोच तो है नहीं. पर हमारी आर्मर्ड मैकेनाइज फोर्सेस ब्यूरोक्रेटिकली बहुत स्ट्रांग है आर्मी में, उसी के लिए हम ये टैंक्स रखते हैं, ना कि पाकिस्तान के लिए नहीं रखते हैं. सबके सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई यूनिफॉर्म वर्दी में या कोई सिविलियन बाबू, ऐसे सब ऐसे ही सब, कौन सा बड़ा तीर मार रखते हैं ये सब लोग, क्या करते हैं? ठीक है, टेररिज्म है, काउंटर इंसर्जेंसी, ठीक है. कहने का मतलब ये है कि देखिए, वी हैव टू बिगिन थिंकिंग लॉजिकली एंड रीजनेबली कि आपके थ्रेट परसेप्शन है कहाँ, क्या है. अगर पाकिस्तान थ्रेट है नहीं, कभी नहीं हो सकता, पाकिस्तान कैन नेवर बी अ थ्रेट टू इंडिया, वॉज नेवर अ थ्रेट, इज नॉट नाउ अ थ्रेट, कैन नेवर बी अ थ्रेट. तो आपको क्या करना चाहिए? इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि यार आ जाओ, ठीक है नहीं आएंगे, आप अपने टाइम पे आ जाइए, पर हम आपको ट्रेड कंसेशन देते हैं, जैसे हम कह रहे हैं आप जो कुछ करना है करिए, यानी कि विद इन रीजन. आपके ऐसा नहीं कि आप चाइनीज माल वहाँ से लाएं और इंडिया में कहें कि हमने हम मैन्युफैक्चर किया, ऐसे नहीं. जो आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करोगे आप बेशक ले आए विदाउट कॉस्ट. इंसेंटिव दीजिए ना नेबर्स को, आप समझते हैं वो हमारे इक्वल हैं, उनको रेसिप्रोकेट करना चाहिए, हम 5 रुपये देते हैं, वो 5 रुपये का माल उन्होंने हमसे खरीदना चाहिए, कुछ ऐसे कुछ ऐसे नहीं होता. आप बहुत बड़ा देश है, पर वैसी मैंटालिटी हमारी है नहीं ना. हमने कहीं लिखा है कि हम वेल, वी आर वेल साइज नेशन, वेल पता है ना बहुत बड़ी जो मछली है, पर हमारा इम्पैक्ट क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑफ अ मिनो, मिनो यानी कि छोटी सी, छोटा सा फिश.
साइबर वॉरफेयर में हमारी क्षमता था वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो के मुताबिक है और उससे ज़्यादा खास है नहीं। क्यों नहीं है? ये घिसे पिटे लोग इंचार्ज हैं। Who are the hackers? Hackers कौन चीज, क्या क्या चीज़ है, कौन लोग हैं? हमारे पास आते हैं ये कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, उनको चैलेंज चाहिए कि भाई आप चाइनीज न्यूक्लियर कमांड में आप पेनिट्रेट करो साइबर से, चैलेंज है ना, चैलेंज पर दर्दा करेंगे, करते भी हैं, पर ओवरसाइट किसकी है? NTRO ऐसे सब बेकार की यूनिट्स, कहाँ जाता है पैसा पता आपको कितना खर्च हो रहा है? वो तो क्लासिफाइड है, हम बताएंगे नहीं आपको, पर बहुत पैसा खर्च होता है इसी इसमें कि हमें साइबर वॉरफेयर की एबिलिटी मिलने वाली है। पैसा जाता कहाँ पे? वही सब अपने पॉकेट में डाल देते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जैसे पूरी सरकार में नहीं है अकाउंटेबिलिटी। यहाँ टेलीकम्युनिकेशंस, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी, ये लोग इन ऐसे जर्नलिस्ट लोग हैं, न टेक्निकल नॉलेज है, न एक्सपर्टीज है, कुछ डोमेन एक्सपर्टीज तो है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री के पास टैलेंट तो है नहीं, दुआ साहब ठीक है IPS हैं, पुलिस क्या चीज़ है, जर्नलिस्ट ही है ना, जो IAS में नहीं गए वो IPS में चले गए, तो बैकग्राउंड तो वही है ना, ऐसे नहीं तो वो कहीं बड़े कोई कहीं, वो तो वही लोग वही बैच के जो ब्राइटर थे वो IAS में चले गए या IFS में फॉरेन सर्विस में चले गए, जो जितने उनकी दिमागी उतनी तेज नहीं थे वो लोग पुलिस सर्विस बन गए। नहीं जनरली हम बहुत पुलिस अफसर जानते हैं, बहुत वेरी ब्राइट पीपल, बट द पॉइंट टू मेक इज दिस इज द मैन पावर पॉलिटी That's running the government. तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके ऊपर। आप हैं टेली कम्युनिकेशन सेक्रेटरी, जो थी यहाँ पे कोई सुंदर राजन माने क्या थी उनका नाम था, अरुणा सुंदर, उनको कुछ पता ही नहीं था। Huawei 5G जो चाइनीज की 5G है, पूरा पूरा PLA ऑपरेशन है, सब लोग कहते हैं, सबको पता है, एविडेंस है, पर वो किस वास्ते हुआवे की चैंपियंस बनी थी टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी? तो ये बात है, कुछ तो मिलता होगा उसे, क्यों कर रही थी? फिर जाके यहाँ हमारे जागरण मंच, जो क्या कहते हैं उसको, RSS की जो विंग है, स्वदेशी जागरण मंच, उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर कहा ये क्या हो रहा है, हुआवे 5G चाइनीज ला रहे हैं आप अंदर, वो तो बैठ जाएंगे अंदर, छोड़िए आप बॉर्डर की, ये तो अंदर बैठ रहे हैं आके, आपके अंदर घर के अंदर आ गए वो, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तब जाके प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई ओ ये क्या हो रहा है, बंद कर दिया वो। अरे बंद नहीं हुआ अभी तक, हुआ भी फिर भी अपना चक्कर चला रही है, आ जाएंगे वहाँ फिर वापस। ये है हमारे यहाँ, देखिए अगर आपको चाइनीज से लड़ना है साइबर वॉरफेयर में, आपको किससे पार्टनर करना पड़ेगा? अमेरिका से नहीं करना पड़ेगा, ताइवान। क्यों ताइवान? वो चाइना सबको सबसे अच्छा कौन देश जानता है? ताइवान जानती है, अपने लोग हमारे जैसे ये पाकिस्तान इंडिया जैसे, वो ताइवान चाइना वाले, वही बोल बोलते हैं, वही कल्चर है, वही सब कुछ है, वो चाइना कहते हैं भी ये हमारे लोग हैं, हम हड़प लेंगे इनको, या हमारे कोई लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, अखंड भारत ये वो है, बात तो बिल्कुल वही है, पर हम अभी ताइवान से आए हैं, क्या चीज़ है? वो कहते हैं देखिए हम आपको, हमने पूरा चाइनीज ग्रिड, साइबर ग्रिड हमने मैप की है, हम आपको दे देंगे, पर आप तो हमारे लिए कुछ करिए ना, क्या चाहते हैं वो? रिकग्निशन चाहते हैं। चाइना कुछ भी कर सकती है,
हम एक थप्पड़ मारते हैं तो हम दूसरा को यहाँ भी मारो, एटीट्यूड ये है ना। कोई चेंज हुआ है मनमोहन सिंह के टाइम से या उनके पहले से? कुछ चेंज तो नहीं है ना, वही है एटीट्यूड, तो वही है, मार खाते रहते हैं। ताइवान कह रही है कि हमें देखिए आप रिकग्निशन दो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनकी एम्बेसी जो है उसे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल माने, ऐसे कुछ कहते हैं। यानी कि इतने भी इतने डरे हुए हैं हम कि उनको फॉर्मल रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं। अगर आप वो देते हैं आप तो हमें चाइनीज उनकी साइबर ग्रिड पता हो जाएगी, तो हमारे लिए पेनिट्रेशन अच्छा खासा बहुत इजी हो सकता है, क्योंकि उसमें वैसे ही हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी तो है नहीं। तो जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वो करने की ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं हमारे। और यही लोग हैकर्स कॉल हैं, जैसे मैंने बताया कॉलेज किड्स हैं, उनको कुक और चिप्स बैठ के बिठा दो कंप्यूटर आके, वो माने कहाँ कहाँ अंदर चले जाते हैं। ये कोई बड़े बड़े वर्दी वाले कोई नहीं चाहिए, पर उनके थोड़ा तो इंसेंटिव दो ना। हमारे पास कंपनीज हैं जो हमारे पास रोते हुए आती हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट था कोई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कोई, यहाँ नाम नहीं लेना चाहते हैं, बट पूरा का पूरा ऐसे लोग वो पैसे हमें नहीं दे रहे। हमने पूरा ख़त्म कर दिया, प्रोजेक्ट ख़त्म किया, हमने क्या क्या नहीं किया इनके लिए, पेनिट्रेशन कर दिया, एनिमी पेनिट्रेशन सब कुछ, और फिर पैसे नहीं देते, रुलाते हैं पैसे देने में। जो कॉन्ट्रैक्ट है हवा पे तो नहीं रह सकते ना, कॉलेज किड्स भी हों हवा पे तो नहीं रह सकते, उनको कुछ तो इंसेंटिव दो ना। अगर आप इंसेंटिव देते हैं उन्हें तो उनको और भी उनका जोर जो है, जो विलिंगनेस है, वो स्पिरिट है, उसको इनक्रेज होगा, इनक्रेजमेंट मिलेगी। वो हम करते नहीं, झिझकते हैं, वो आपने ये फॉर्म नहीं किया, वो तीन ट्रिप्लिकेट में फॉर्म्स नहीं किया, ये नहीं, वो ब्यूरोक्रेटिक इसमें उनको फंसा देते हैं, पैसे मिलते नहीं हैं, ये रोते रोते वो कहते हैं मारो गोली। आई टेल यू वन लास्ट थिंग, चाइना भी क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, पता है आपने सोच देखा होगा, पता है क्वांटम कंप्यूटिंग थियोरी में सबसे अव्वल नंबर कौन? इंडियंस। पता है कहाँ है वो? चाइना में। हमारे एक दोस्त हैं, वो हमारे थर्मोन्यूक्लियर प्रोजेक्ट में थे, बड़े माने हुए साइंटिस्ट मैथमेटिशियन, उनकी पायनियरिंग थियरी क्वांटम कंप्यूटिंग उनकी थियरी है। और एक है कोई, उनका नाम क्या है, आचार्य ऐसे कुछ है, वो पटना में है, वर्ल्ड के नंबर वन और टू थियरिस्ट इंडियन है क्वांटम कंप्यूटिंग। वो पटना वाला तो बेचारा कह रहे हम तो बाहर नहीं जाएंगे पटना के, अभी आ रही है, पटना बहुत अच्छा लगता है उनको, कहीं नहीं जाना चाहते। ये जो हमारे दोस्त हैं, पता है उनको क्या मिलता है? $4 million अ ईयर चाइना देती है। हैं कहाँ पे? चिंगवा यूनिवर्सिटी में। क्या करते हैं? चाइनीज को ट्रेन करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? इट इज अनहैकेबल, हैक नहीं कर सकता कोई। कम्युनिकेशंस, आई वांट टू गेट इनटू क्वांटम कम्युनिकेशंस, हैक नहीं कर सकता कोई। Why? Because they use light quantum. Light यानी कि आप light देख रहे हो ना, light rays. Use that for information carrier. देखिए कमाल चीज़, ये हमारे लोग, ये हमारा scientist उनको train कर रहा है। Because $4 million, जब उनको पहला contract दिया था Chinese ने, हमने उन पर बहुत convince कर करके हमें कहा यार मत जाओ, इनको तो मत हेल्प करो चीनियों को, और वो अमेरिकन के साथ उनकी उसकी बनती नहीं तो वो भी जाता सिलिकॉन वैली यहाँ वहाँ, बड़ा ज़बरदस्त इनकी उसकी इंटेलेक्ट। तो हमने कहा कि भाई एक साल दे दो हमें, हम कुछ करेंगे, जो करते हैं करेंगे, जो कर सकते हैं एटलीस्ट लेट मी ट्राई। सबसे मिले सरकार में, हमने कहा तुम्हें क्या चाहिए बताओ,
He says, देखो, I need 3 crores of rupees to set up a center. अपने लिए भी नहीं, वो कह रहा है, he says, मेरी फैमिली नहीं है. उन्होंने कहा हमें 3 crore दे दो, I'll set up a center for computer, quantum computing, and for algorithm writing. Algorithm, क्या बताया algorithm, क्या कैसे बताया आपको, it is a, algorithm से सब चलता है, cyber इसमें. Combat design, combat aircraft design, सब algorithm पे है. Code, source codes कहते हैं ना, तो algorithm से चलते हैं. Anyway, this is different. So, the point to make is that, वो कहते हैं, I'll train algorithm writers. He is amongst the best in the world. ना कि सिर्फ दिल्ली में या इंडिया में, in the world. माना जाना माना आदमी है. पूरे एक साल में हम नैशकॉम से मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी से मिले, सबसे मिले, वो जाके दीवार से भी मिला, कुछ हुआ नहीं. Then he told me, I can't afford it. वो हमारे थर्मोन्यूक्लियर प्रोजेक्ट में थे, बेवकूफ उनका बॉस था, और ये इतना ब्राइट आदमी है, कौन सा आएगा यार, ये उल्लू है, मारो इसको, मारो गोली. He got out. और फिर ऐसे सब काम करता था अपने इसमें, अपनी कंपनी खोली थी उसने. पर देखिए पैसा कहाँ है, व्हेन यू डील साइबर वॉर, साइबर इसमें तो सिर्फ सरकारी है ना, अगर आपको सरकार नहीं मानती है तो कुछ नहीं हो सकता आपका. तो चाइना ने ले लिया, एक साल के बाद आई फेल, कुछ नहीं कर सकता. इस नाम चिंगुआ में है, पैसे बना रहे हैं और चाइना का ट्रेन कर रहा है आदमियों को.